दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल एंड अल गफूर बिवरेजेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंजीनियर मुमताज अहमद खान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टोरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इससे कबल मैं आपसे पानी के हवाले से, पाकिस्तान के पानी के जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ मौजूआत पर, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी शामिल है, कालाबाग डैम का मनसूबा है, सूबों के दरमियान वाटर अपोर्शनमेंट एकॉर्ड का मसला है, या पाकिस्तान की आबी तहफ़ यानी वाटर सिक्योरिटी का, जहाँ तक इस मसाइल हैं, उन पर मैं आपसे सहर हाथिल गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज के इस मक्स स्पेशल प्रोग्राम में मैं एक और पानी के हवाले से पाकिस्तान के एक और बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ये गुफ्तगू भी दो हिस्सों में है और इसका मौजू है पानी का ज़िया, पानी को ज़ाय करना। ये कितना बड़ा मसला है, आप हैरान होंगे कि इंजीनियर साहब ये क्या बात कर रहे हैं, पानी तो इतना वाफिर है, इतने हर तरफ जहाँ भी देखें पानी ही पानी है, ज़मीन के नीचे भी पानी है, ज़मीन के ऊपर भी पानी है, समुंदर है, तो ये पानी के ज़िया का मसला कहाँ से आ गया? जो चीज़ इतनी वाफिर है कुदरत में हमारी ज़मीन पर, तो इसका ज़िया का मसला कहाँ से आ गया, इसके ज़ाय होने का? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अभी मैं आपको वाज़ेह करूँगा कि पानी का ज़िया, पानी को ज़ाय करना एक बहुत ही अहम, एक नहायत संगीन मसला है, जो ख़ास तौर पर हमें पाकिस्तान को दरपेश है। इस जो मौजू के भी दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में मैं आपकी खिदमत में ये वाज़े करना चाहूँगा कि ये कितना अहम मसला है, क्यों ये मसला इतना अहम है, और फिर जो दूसरा हिस्सा होगा इस टॉक का, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इस इंतहाई अहम मसले का हल क्या है, वो अवामिल जिनके तहत हम पानी को ज़ाय करते हैं वो कौन कौन से अवामिल हैं, मैक्रो लेवल पर भी और माइक्रो लेवल पर भी, और ये कि उसमें मेरा, आपका, आम पाकिस्तानी का और हुकूमत का क्या किरदार है पानी के ज़िया को रोकने के हवाले से। नाज़रीन, पानी के ज़िया के मसले की जो संगीनी है वो इससे भी बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि जैसे कि मैंने एक पहले प्रोग्राम में बताया था, मैं उसे दोहरा रहा हूँ ताकि आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए, और वो इस वजह से ये पानी का मसला संगीन है कि दुनिया में जितना भी पानी है, इस ज़मीन पर जितना भी पानी है, उसका तकरीबन 1% पानी, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, वो पानी जिसे इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं, जानदार इस्तेमाल करते हैं, जिनसे जो ज़राअत
के लिए कारामद हो, इंडस्ट्री के लिए कारामद हो, वो पानी, वो दुनिया में जितना भी पानी है उसका सिर्फ 3% है मीठा पानी, या जिसे हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं, सॉफ्ट वाटर भी कहा जाता है, मीठा पानी भी कहा जाता है। तो इस सरजमीन पर जितना भी पानी है उसका सिर्फ 3% पानी जो है वो मीठा या सॉफ्ट पानी है, जो काबिल इस्तेमाल है। और उस 3% में से भी तकरीबन सिर्फ 1%, उसका तीसरा हिस्सा है पानी जो कि हमें दस्तयाब है, तकरीबन उसका भी 2/3 पानी जो है वो ग्लेशियर की सूरत में पहाड़ों पर, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर वो मुसलसल बर्फ की सूरत में जमा हुआ है, जो कि हमें दस्तयाब नहीं है इस्तेमाल के लिए। जो दस्तयाब है वो तकरीबन 1% है पानी, जो कि दरियाओं में है, झीलों में है, बादलों में है, हमारे ज़ेर ज़मीन जो पानी का ज़खीरा है वहाँ है, जो कि हमारी दस्तरस में है, जो हमारी पहुँच में है। तो आप ये समझ जाएं कि 1% पानी है जो कि हमें दस्तयाब है नौ इंसानी को, जबकि दुनिया की जो आबादी है वो 7 अरब से भी तजावज़ कर रही है और ये आबादी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान 1947 में जब मार्ज वजूद में आया, उस वक्त हमारी आबादी, ये मौजूदा पाकिस्तान, तब ये मगरबी पाकिस्तान था, उस वक्त हमारी आबादी 4.5 करोड़ थी, जो अब तकरीबन 5 गुना हो गई है, और ऐसे दुनिया की आबादी भी बढ़ रही है। लेकिन जो दस्तयाब पानी है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ जब से ये ज़मीन मार्ज वजूद में आई है, लाखों करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले से। जो सॉफ्ट पानी की मिकदार है वो वही है और वही रहनी है। तो आप ये देखें कि इंसानी ज़रूरियात कैसे बढ़ रही हैं, जबकि पानी की जो दस्तयाबी है वो कम हो रही है। और इसी हवाले से जो दुनिया का जो मयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये है कि जिस कौम के पास फीकस 1700 मुकाब मीटर पानी या इससे ज़ायद उसे दस्तयाब है, तो वो कौम आबी तहफ़ रखती है, उसे आबी तहफ़ कहा जा सकता है। 1700 मुकाब मीटर फीकस या इससे ज़्यादा, और इससे जैसे ही हम कम होते जाएंगे उसी तरीके से उस कौम को पानी की कमयाबी, पानी की शॉर्टेज का सामना होगा। और जैसे जैसे ये वॉल्यूम, ये मकदार कम होती जाएगी, तो उस मुल्क और उस कौम को पानी की कमी की शिद्दत या संगीनी का सामना होगा। और जब ये मकदार 1000 मुकाब मीटर फीकस से नीचे जाएगी, तो उसे फिर पानी की कमयाबी या पानी की शॉर्टेज का नाम नहीं दिया गया, उसे वाटर स्टारवेशन यानी पानी की कहत साली का उसको जो है दर्जा दिया गया है। तो इस मयार के हवाले से, इस पैमाने पर अगर हम पाकिस्तान की अपनी कौम की सूरत हाल देखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान 1947 में मार्ज वजूद में आया, तो उस वक्त हमारे पास फीकस 5600 मुकाब मीटर फीकस पानी दस्तयाब था, जो कि अब कम होकर
1000 मुकाब मीटर से भी नीचे 950 मुकाब मीटर फीकस रह गया है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त पानी की कहत साली का शिकार है और ये पैमाना ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान को सॉफ्ट पानी के हवाले से हमारी कौम एक संगीन बहरान का शिकार है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि दुनिया की आबादी 7 अरब से भी तजावज़ कर गई है और इसलिए कहा जाता है कि 21वीं सदी की जो जंगें हैं वो पानी के मसले पर होंगी दुनिया में। वजह क्या है? वजह यह है कि पानी के बगैर जिंदगी का, इंसानी तहसीब का तसव्वुर ही नहीं। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉफ्ट पानी के हवाले से पाकिस्तान किस संगीन बहरान का शिकार है। अब एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा जरिया, एक ऐसा सोर्स जिस पर इंसानों की, नवे इंसानी की जिंदगी, उसकी बका का बका मुनहसर है और हम तो एक ज़रई मीशत हैं, हमारी बका तो ज़रात पर है और ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा अतिया है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन का एक नहत सरखेस टुकड़ा ही नहीं दिया बल्कि उसमें दरिया दिए हैं, मौसम दिए हैं और ये कुदरत का इतना बड़ा अतिया है जो कि बहुत कम लोगों को ये हासिल हुआ है। लेकिन हमारी आबादी बढ़ने की वजह से, कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से और कुछ हमारी अपनी नाअहलियों की हवाले से, हम पानी की के इस कहत का, इस कहत साले का शिकार है। चुनाचे एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी इतनी अहमियत हो, अगर हम उसको ज़ाय करें और उसके एक एक कतरे, एक एक लीटर के हवाले से उसकी हम केयर ना करें तो हम कितने बड़े, एक कितनी बड़ी गफलत, बल्कि मुजरमाना गफलत का हम शिकार होंगे और उसके नतायज हम अभी से देख रहे हैं। अभी से हम देख रहे हैं कि हमारी फसलों के लिए और खुसूसन रबी की फसल के लिए हर साल तकरीबन 40 से 50% जो हमें ज़रूरत होती है, जितना पानी हमें ज़रूरत होता है पाकिस्तान को, उसका तकरीबन 40 से 50% पानी की कमी होती है और हमारे जिम्मेदारों को ट्यूबवेल चलाकर इंतहाई महंगी बिजली से ट्यूबवेल चलाकर इंतहाई महंगा पानी जो है अपनी फसलों को, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बका के लिए फसलों को वो पानी देना पड़ता है जिससे उसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। चुनाचे पानी का ज़िया, पानी को ज़ाया करना, फ्रेश वाटर को ज़ाया करना, ये इंतहाई संगीन गफलत नहीं बल्कि ये कौमी जुर्म है। ये क्यों हो रहा है? उसकी सबसे जो अहम जो वजह है, सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि हम लोगों को, हमारी आवाम को, एक आम आदमी को इस चीज़ का
इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, इसका इदराक ही नहीं है, इसका एहसास ही नहीं है कि पानी कितनी कीमती और कितनी अहम कमोडिटी है जिसे हमने बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना है। हम ये समझते हैं कि पानी तो हर जगह मौजूद है, इसके ज़िया कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं पानी तो समुद्रों में भी मौजूद है, लेकिन वो पानी इस काबिल नहीं है कि उसे हम इस्तेमाल कर सकें अपने लिए। इवन जानवरों के लिए भी वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जो मीठा पानी है उसकी मकदार बहुत महदूद है, और जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा, कौम को, एक आम आदमी को और हमारे हुक्मरानों को, कि कुदरत का ये जो अतिया है यह कितना कीमती है और ये किस तरीके से हम इस जो ज़रिया है उसकी फरावानी से या उसके तहफ़ से हम दूर होते जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि हमारी रबी की फसल, वो फसल जो हमें रोटी देती है, उसके लिए 40 से 50 फीसद पानी की हमें कमी होती है हर साल, और उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हमारी रबी की फसल गंदम की जो मकदार है, पैदावार है, वो कम हो रही है, चावल की पैदावार कम हो रही है इस पानी की कमी की वजह से, बल्कि उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि हमारे पास चौलिस्तान में, थर में, बलूचिस्तान में अभी वसी रकबा बड़ा हुआ है, यानी इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी काबिल काश रकबा है उसका तकरीबन 40-45 फीसद रकबा जो है चौलिस्तान, बलूचिस्तान और थर में अभी तक हम जेरे काश नहीं ला सके, हालांकि वो ज़मीनें, हालांकि वो रकबे भी उतने ही ज़रखेज़ हैं जितना के बाकी पंजाब या सिंध के की जो सरजमीन है वो ज़रखेज़ है, वो भी उतनी वही मिट्टी है, वही साइल है, लेकिन क्या है कि वो अभी तक बंजर है, अभी तक उसको ज़रा काश नहीं ला सके। वजह क्या है? वजह ये है कि हम पानी को ज़ाय करते हैं, यह मैं आगे चलकर बताऊंगा दूसरे प्रोग्राम में कि किस किस तरीके से मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर हम पानी को, पानी जैसी इंतहाई कीमती जो कमोडिटी है उसको हम ज़ाय करते हैं। अगर हम इस ज़िया को बचा लें, कैसे बचाएंगे वो भी मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। अगर हम पानी के इस ज़िया को बचाएं, तो आप यकीन करें कि जो हमारे अभी तो ये सूरत हाल है कि चूँकि हम पानी को ज़ाय कर रहे हैं और पानी के इस्तेमाल में एहतियात नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह, वो एक बड़ी वजह है कि हमारी रबी की फसल के लिए 40 से 50 फीसद पानी की कमी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम पानी के इस ज़िया को रोक लें, अगर हम पानी के इस ज़िया को रोक लें, तो यही पानी जो हमें दस्तयाब है इस वक्त हमारे दरियाओं में, हमारी नहरों में, हमारी झीलों में,
यही पानी जो हमें दस्तियाब है, इससे हम वो वसी वो 40 या 45 फीसद रकबा जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ बनता है चौलिस्तान में, बलोचिस्तान में और थर में, जो कि अभी वीरान पड़ा हुआ है और हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हम इस पानी के दिया को रोकें और पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें और उन तरीकों को इख्तियार करें जिससे पानी को इंतहाई एफिशिएंसी से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है और किया जाए, तो मैं एक इंजीनियर होने के हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम वो 2.5 करोड़ एकड़ रकबा भी जो कि अभी तक बंजर पड़ा हुआ है, हम उसे भी जेरे कास्ट ला सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हम उसको जेरे कास्ट ला सकते हैं, बल्कि पानी के इस्तेमाल के जदीद तरीकों को इख्तियार करके हम अपनी फसलों की जो पैदावार है फी एकड़ यील्ड जो है, हम उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और हमारी जो है खुराक की ज़रूरियात और दूसरी ज़रूरियात जो है जैसे बढ़ रही है, अगर हमने अपनी ज़रात को और उस रकबे को जो कि अभी तक वीरान पड़ा हुआ है, अगर हम उसे देरे काश्त ना लाए और ये पानी को हम ज़ाय करते रहे, तो आप यकीन करें कि एक वक्त वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमें सिर्फ पानी की कहसाली ही नहीं बल्कि खुराक की कहसाली का भी हम शिकार होंगे, कहत का शिकार होंगे। तो मेरे भाई और बहनों, अभी तक तो इस हिस्से में मैंने आपकी खिदमत में सिर्फ ये उजागर करने की या इसकी अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि पानी कितनी कीमती और कितनी अहम एक कमोडिटी है अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से, जिसके इस्तेमाल में हमें एहतियात करनी है, जिसको ज़ाय होने से हमने बचाना है और जिसके एक एक कतरे और एक एक लीटर को हमने एहतियात से इस्तेमाल करना है, ताकि खुदा न खासा ऐसा वक्त ना आए कि हम कहत साले का शिकार हो जाए। और जब कौमें कहत साले का शिकार होते हैं, जब उनकी मीशतें तबाह होती हैं, तो फिर उनकी खुद मुख्तियारी भी, उन कौमों की बका, उन कौमों की आज़ादी भी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये ना समझा जाए कि पानी का जो मसला है वो कोई गैर अहम मसला है या इसको हमने इतनी अहमियत नहीं देनी है, नहीं, बल्कि एक इंजीनियर होने के हवाले से मैं ये कहूँगा और मैं ये पूरे वसूख से ही आपकी खिदमत भी अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त जितने भी मसाइल और बहरानों का सामना है, उनमें पानी का जो मसला है, पानी की कमी का जो मसला है, वो सबसे संगीन है, वो सबसे संगीन है। और हमें, अगर हम इसका एहसास, हम इसका इदराक नहीं करेंगे और ये मसला इतना संगीन है कि अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया, तो ये मसला हमारी कौमी खुद मुख्तारी, हमारी कौमी आज़ादी और ईवन हमारी एटमी जो कुवत है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अब अगले प्रोग्राम के लिए याद दीजिए मक्स स्पेशल से इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान। वस्सलाम। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल एंड अल गफूर बिवरेजेस।